हेलो एवरीवन, आज के दिन में हम सिर्फ ये दो टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है मीडिया क्वेरी और दूसरे का नाम है डबल डॉट इन्फिनिटी। ये दोनों क्या है? तो मान लो कि कुछ स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन है, और मुझे उसके अंदर कंटेनर दिया हूँ, नहीं तो टेक्स्ट दिया हूँ, और मुझे ना जो टेक्स्ट दिया हूँ उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, मतलब जो स्क्रीन है ना उसके हिसाब से मुझे टेक्स्ट का साइज मिलाना है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो ना, तो उसके हिसाब से अगर स्क्रीन, ध्यान दो इस चीज़ को, अगर स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो तो जो टेक्स्ट है वो खुद को एडजस्ट कर ले स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। अगर स्क्रीन का साइज़ छोटा हो तो टेक्स्ट भी उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक खुद को एडजस्ट कर ले। इसी दोनों रीजन के लिए हम क्या करेंगे, ये मीडिया क्वेरी और डबल डॉट इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटक से पहुँचते अपने प्रोजेक्ट में। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे पहले से रन करके मैंने रखा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये मेन डॉट आउट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे होम पे माई रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। अगर इसमें खोलूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है, और फिलहाल हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में कुछ नहीं है क्योंकि एक बार मैंने कमेंट कर दिया हूँ। अगर मैं इसको अनकमेंट करके सेव मारूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास टाइटल पे रिस्पॉन्सिव आ गया, ठीक है। तो चलो, अब मैं अभी अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ना कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हट गया हमारा एब्बा। तो देखो यहाँ पे कलम है, और कलम के अंदर मैं चाहूँगा कि एक कंटेनर लेने के लिए, तो कंटेनर भी ये बोल रहा है कॉन्स्ट आता है, तो मैं कॉन्स्ट आता हूँ, कंटेनर हो गया। और इसको मैं क्या करूँगा, कलर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, कलर्स डॉट पर्पल ले लिया, सेव मारा। अभी शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसका हाइट और विथ हमने नहीं दिया, ठीक है। तो मैं हाइट ले लेता हूँ 300 और विथ ले लेता हूँ 300, सेव मारूंगा। देखो यहाँ पे पर्पल कलर आ गया, ठीक है। ये है कंटेनर। तो अब ये हो गया हमारा कंटेनर। अब मैं चाहूँगा कि ये जो कंटेनर है, पर्पल कलर का कंटेनर है, ये ना स्क्रीन के हिसाब से हाइट दे, ठीक है। अगर स्क्रीन इतना बड़ा है ना, मतलब ये स्क्रीन इतना बड़ा है ना, तो ये अपने आप को इतना हाइट दे दे, ठीक है। और जिस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विड्थ है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक दे दे इसका विड्थ। तो वो मैं कैसे दूंगा, देखो यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड कोड दिया था, इसे 300 लिखा था, तो ये 300 बाई 300 दे रहा था। अभी मुझे हाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मीडिया क्वेरी, ठीक है। मुझे स्क्रीन के हिसाब से देना है, तो इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट, मुझे हाइट लेना है इसलिए हाइट, ठीक है। सेम हमारा, देखो ऑटोमेटिक ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये हमारा हाइट हो गया। सेम उसी तरह अगर मुझे विथ लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट, अगर विथ, तभी मैंने हाइट लिया था, अभी विथ है तो मैं क्या करूँगा, विथ लूँगा। सेम हमारा, देखो ये फुल टू फुल क्या हो रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। जितना स्क्रीन का हाइट था उतना स्क्रीन का हाइट ले रहा है, जितना स्क्रीन का विड्थ है उतना विड्थ ले रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मीडिया क्वेरी। और इसमें और भी चीज़ आता है, जैसे कि मान लो मुझे ना हाइट क्या करना है, मतलब स्क्रीन का ना दो भाग लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई टू जैसे से मारूंगा, तो देखो ये दो भाग में बढ़ गया, देखो ऊपर से हाफ और नीचे से हाफ, ठीक है। अगर मुझे तीन तीन भाग में डिवाइड करना है तो क्या करूँगा, थ्री डाल दूंगा, ये देखो, मतलब 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, जैसे 25% 25% 25%, ठीक है। तो 100% डिवाइड बाई ऐसे होगा, और मैं 2 दबाऊंगा तो क्या हो गया, 25% 50% और 25%, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, विथ भी सेम वैसा ही काम करेगा, और मैं जो डिवाइड बाई 2 दे दूंगा तो ये देखो खुद को एडजस्ट करेगा ऐसे, ठीक है। 25% 50% और 25%, ये हो गया हमारा डिवाइड, ठीक है। उसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई आता है। अगर मैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे 0.2 करूँगा, हाँ 0.2 करूँगा, तो देखो ये क्या हो गया, जो हाइट था ये सिर्फ क्या कर रहा है, 0.2 यानी 20% ले रहा है, ठीक है। 0.2 यानी 20%। अगर मैं यहाँ फुल टू फुल 1 कर दूंगा तो ये 100% है, मतलब हाइट 100% ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे 0.9 करूँगा तो ये 90% लेगा, ठीक है। ये देखो 90% ले रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं 0.5 करूँगा तो ये 50% लेगा। अब स्क्रीन का 50% साइज ले लिया है, नीचे 25 ऊपर 25, ठीक है। तो ऐसे है, उसी तरह हमारे पास विड्थ भी आता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इंटू 0.2 डालूंगा, यानी 20% ही ले, तो ये देखो 20% ही आ रहा है। अगर इसमें 6 कर दूंगा तो ये क्या हो गया, 60% लेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह ना, मतलब डिवाइड भी दे सकते हो, इंटू भी दे सकते हो। उसी तरह हमारे पास एक और चीज़ आता है, जैसे इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। सेम हमारा फुल टू फुल हो गया। हाइट में मैं क्या चाहूँगा कि 100 कम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, -100 भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। सेम हमारा, देखो दोनों तरफ से 50-50 यानी 100, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड हो जाता है। अगर मैं वही चाहूँगा कि -20 करूँ, तो देखो दोनों तरफ से ना 10-10 ले रहा है, ठीक है।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा मीडिया क्वेरी। अभी मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, इसका जो हाइट और विड्थ है ना वो कोड कर देता हूँ, ठीक है, हार्ड कोडेड, यानी मैनुअली यहाँ पे 300 और 300 लिख देता हूँ। सेम हमारा, यह हमारा हो गया पर्पल। चलो बढ़िया, अब ये तो हो गया। मैं इसके क्या करूँगा, इस कंटेनर के अंदर ना चाइल्ड ले लूँगा और उसके अंदर फिर से एक और कंटेनर ले लूँगा, ठीक है, और इसको क्या करूँगा, हाइट दे दूँगा। हाइट अभी हाइट नहीं दूँगा, ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, तो कलर, और इसको करता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। सेम हमारा ये देखो, मतलब तो हमारा पर्पल कलर कहाँ गया भाई। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड पे मैं एक और कंटेनर ले रहा हूँ जिसका मैंने हाइट और विड्थ नहीं दिया हूँ और डायरेक्ट ग्रीन कर रहा हूँ, तो कहाँ गया। तो ये क्या कर रहा है, मतलब जो चाइल्ड है ना वो ऑटोमेटिक जो पेरेंट का है ना हाइट और विड्थ वो ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसको यहाँ पे मैं मैनुअली करता हूँ 200, देखो यहाँ पे, और फिर से क्या करता हूँ, विड्थ करता हूँ 200। सेम हमारा अभी देखो ये ले रहा है, मतलब ये जो पेरेंट है ना उसका ही साइज ले रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, एक और विजेट जिसका नाम है सेंटर, ठीक है, अगर मैं इसको ले लिया, सेम हमारा अभी देखो, मतलब डिफरेंस देख रहे हो ना, अभी मैंने जैसे सेंटर ले लिया ना, अब ये क्या कर रहा है, कंटेनर इस पेरेंट कंटेनर का साइज नहीं ले रहा है, ठीक है, ये अपना खुद का ले रहा है, क्योंकि ऊपर तो यहाँ पे क्या है, सेंटर है, इसका पेरेंट अभी ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 200x200 ले रहा है ये कंटेनर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 200x200 यहाँ पे इस साइड पे ग्रीन में आ गया। अब डबल डॉट इन्फिनिटी का मतलब क्या था, डबल डॉट इन्फिनिटी का मतलब ये था कि जो आपका पेरेंट हो उतना साइज दे, ठीक है, जो पेरेंट है जो इतना साइज ले रहा है तो चाइल्ड भी क्या करेगा, उतना ही साइज लेगा, ठीक है। तो ये चाइल्ड हो गया, इसलिए मैं क्या करूँगा, डबल डॉट इन्फिनिटी, देखो सेव मारूंगा, ये क्या करेगा, हाइट पूरा ले लेगा, जितना पेरेंट दे रहा है उतना लेगा। पेरेंट कितना दे रहा है यहाँ पे 300, इसलिए ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू पेरेंट के हिसाब से जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी विथ पे भी सेम वही है, डबल डॉट इन्फिनिटी सेव मारा, ये भी देखो फिर से, यानी डबल डॉट इन्फिनिटी कहाँ पे यूज करना है आपको, ध्यान दो इस चीज़ को। मेरे पास दो कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर क्या कर रहा है 300 ले रहा है और दूसरा कंटेनर क्या कर रहा है डबल डॉट इन्फिनिटी ले रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि जो भी पेरेंट साइज दे रहा है ये जो चाइल्ड कंटेनर है ऑटोमेटिक क्या करेगा, पेरेंट के हिसाब से ले लेगा, ठीक है। अगर ये 300 दे रहा है तो ऑटोमेटिक 300 ले लेगा, ठीक है। हाइट अगर 300 दे रहा है तो 300 ले लेगा हाइट, विथ अगर 300 दे रहा है तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, विथ ऑटोमेटिक आप खुद को 300 दे देगा, ठीक है। तो मतलब डबल डॉट मीडिया क्वेरी और डबल डॉट इन्फिनिटी आपको कहाँ यूज़ करना है, तो मीडिया क्वेरी कहाँ पे यूज करना है, अगर आपको चीज़ है, ठीक है, जो भी चीज़ हो, कंटेनर हो, टेक्स्ट हो, स्क्रीन के हिसाब से चाहिए, तो आप क्या करोगे, मीडिया क्वेरी लगाओगे, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन के हिसाब से नहीं चाहिए और जो स्क्रीन के साथ हिसाब से पहले से ले चुका है पेरेंट पे, ठीक है, मीडिया क्वेरी, अब आप चाह रहे हो कि उस पेरेंट के हिसाब से मैं जो भी चाइल्ड है उसको उतना साइज देना चाहूँगा, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज का वीडियो यहीं तक था, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।